जेई मेन 2020 में जनवरी 7th का सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है. इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली. रिएक्शन सीक्वेंस क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर एक साइक्लिक रिंग है इधर लिंक वाली और इधर सी एच टू बी आर लगा हुआ है. एच बी आर के साथ हीट किया तो ए बना. फिर सोडियम ईथर, सोडियम ईथर आपको पता है वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट है तो बी बना. और बी के लिए इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ये एक इंट्रामोलिक्यूलर प्रोडक्ट है. ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है और फोर्थ ऑप्शन ये है. ठीक है ना, जरा इसको चेक करते हैं. अगर आपने इस ईथर के साथ एसिड की रिएक्शन करवाई HBr की, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा. यहां पर सबसे पहले ये प्रोटोनेशन कर लेगा, तो प्रोटोनेशन के बाद ये बन जाएगा OH प्लस, राइट. तो ये बन जाएगा OH प्लस और ये CH2Br. अब ये OH प्लस निकलेगा और Br माइनस को अटैक करना है. तो आपको पता है कि OH प्लस इधर से निकलेगा, इधर से, क्योंकि इधर की ओर तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये बॉन्ड अपना स्ट्रांग है. तो Br माइनस भी SN2 अटैक करेगा इधर से, तो SN2 अटैक के बाद Br माइनस यहाँ आ जाएगा. तो आप देखें क्या बन जाएगा यहाँ पे साहब, यहाँ पे बन जाएगा OH और CH2Br और यहाँ तीन कार्बन हो जाएंगे, 1, 2, 3 कार्बन के बाद यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमो. ठीक है ना, ये है ए, दिस कंपाउंड इज ए. अब अगर सोडियम ईथर से इसकी रिएक्शन करवाई जाए, डाईथाइल ईथर ले लेता हूं, तो सोडियम क्या करता है, यहां पर दो सोडियम मिलके यहां से ब्रोमो ऐसे निकलवा देता है ऐसे, तो ये रिंग क्लोज हो जाएगी. तो 1, 2, 3, 4 यानी बाहर की ओर चार कार्बनों के साथ ये रिंग क्लोज हो जाएगी. तो यहां जैसे OH है वैसे रह जाएगा और यहां पर 1, 2, 3, 4 ऐसे हो जाएगी. तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट बी. तो ए और बी के स्ट्रक्चर्स को देखते हुए हमारा आंसर होगा आंसर 4. चेक करें.